भारत की जनता का हूं, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था, तो जनता के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है, और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी कसौटी पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, और इसलिए मैं बातें करूं। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है प्रधानमंत्री से, मैं तो उन्हें मित्र और सहयोगी के रूप में देखता हूं। मैं वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी की बात करता हूं। ये जो अटल जी के वक्त जो लोकशाही दिखती थी और अभी यहां जो तानाशाही दिख रही है, उस तानाशाही का ये असर है कि मैं जानता हूं मैं जितनी बातें कह रहा हूं उसमें से 75% कट जाएगी, बिकॉज इनका धन शक्ति का प्रयोग या पावर शक्ति का प्रयोग जो है आजकल जनता के साथ साथ मीडिया भी खूब दिखाई पड़ रहा है, आप पे, आपके मालिकों पे। तो ये आजकल ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरव्यू लिया जाता है, कोरियोग्राफ्ड इंटरव्यू लिया जाता है, वन मैन शो टू मैन, आपके ANI में भी लिया गया था, हमारे दोस्त लोग ही हैं, सबने किया था और जगह लिया था। ऐसा हो कि प्रधानमंत्री कम से कम अब तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें जहां कोरियोग्राफ ना हो, ऑर्केस्ट्रेटेड ना हो, वेल रिहर्स ना हो, आके कर ले। आपके मीडिया वाले भी आपको प्यार करते, सब आपके दोस्ती हैं। बताएं, रफाल पे हमने आज तक नहीं कहा कि रफाल बहुत दोषी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि वो दोषी नहीं है। तीन बातों का अगर जवाब दे देंगे कि प्राइस इतना ज्यादा क्यों, HAL की कीमत पे क्यों, यानी जो सवाल हमने कई बार उठाए हैं। लेकिन आज आपने पहली बार मन से बोला चौकीदार चोर है। नहीं नहीं, कलकत्ता में बस मैंने तो नाम लिया नहीं, आप जानते हैं मैं अपनी भाषा की गरिमा और शब्दों की मर्यादा का हमेशा बहुत ध्यान रखता हूँ। आपने देखा होगा मैंने एक बार भी नाम किसी का नहीं लिया। सर मुलायम जी ने जो आज कहा है कि यादव का प्रधानमंत्री कैसे, बहुत अच्छा था, बहुत सराहना करता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी पिता तुल्य हैं, बहुत परिपक्व हैं, बहुत देश के बहुत अच्छे नेताओं में से हैं, उनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। आज पार्लियामेंट के या इस सेशन में आखिरी घड़ी थी, और आखिरी घड़ी के वो आखिरी क्षणों में जब विदाई की घड़ी थी, तब जब उन्होंने बातें की, ये तो उनकी मैच्योरिटी दिखाती है, कितना प्यार से उन्होंने कहा कि आप शुभकामना दी, शुभ संदेश दिया, आशीर्वाद दिया कि आप ही बने रहें, अच्छा रहे सामने। ये तो हम भी कहते हैं, अगर हमारे सामने कोई मेरा ओपोनेंट भी आ जाए तो मैं उसको कहूंगा ना कि विजयी भव, जाओ खुश रहो, भगवान भला करे, तुम्हारा अच्छा हो। तो ये जो शुभकामनाएं दी हैं, मैं समझता हूं मुलायम सिंह यादव की आज परिपक्वता देखकर हमारे लिए कहूंगा इसमें कोई राजनीतिक नहीं देखना चाहिए रूप, ये बहुत अच्छा था जो किया उन्होंने। मैं कह सकता हूं बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय और बहुत अनुकरणीय था। सर ये जो 2019 का चुनाव होगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम किस बैनर तले देखते हैं इस बार? आप कह रहे हैं अभी भी असमंजस की स्थिति है, आपने कहा मैंने छोड़ा नहीं, उन्होंने निकाला नहीं, आप पार्टी में होते हुए विपक्ष की, लेकिन अगर हमें वो निकाल देंगे तो हम अफसोस नहीं करूंगा, वो चाहे उनको पूरा अधिकार है, वो पार्टी है, वैसे तो अभी जो हरकतें उनकी हो रही है वो निकालने समानी है अलग, लेकिन उसके बाद अगर वो कर देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से, वो अगर छोड़ देंगे मैं सलाम करूंगा, उफ नहीं करूंगा, जरा भी क्वेश्चन नहीं करूंगा। अगर 2019 में टिकट नहीं मिला आपको, तो अभी हमने स्टेज पे क्या कहा कि लोग क्यों बार बार कहते हैं मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा, टिकट नहीं मिला तो, अरे पहले मैं टिकट लूंगा नहीं लूंगा कोई मुझसे ये भी तो पूछे ना, मुझसे भी तो पूछे। पिछली बार देश में आप लोग की दुआ से और जनता के आशीर्वाद से पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज मेरा था, है ना, वहां पे। तो जब पब्लिक इतना चाहती है, अभी मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी जनता तो बिहार की जनता है और पटना के कार्यकर्ता हैं, पटना के हमारे लोग हैं, तो हम जब वहां से जीतते हैं, चाहे जहां से भी जीतूंगा।